तो आज की इस वाली वीडियो में मैं और इसका सर्वाइव करने वाले हैं 100 इन अ वन चेस्ट, और हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इस एक चेस्ट को एक मैसिव बेस में। और ये सब कैसे हुआ ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा, बट ट्रस्ट मी इस वाली वीडियो को बनाने में हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस आए थे। जैसे कि इस वाली वीडियो में हमारी एक छोटी सी गलती इस पूरे वर्ल्ड को डिलीट कर सकती है, और उसी के साथ साथ हमें इस वाले वर्ल्ड में अचीव करने थे कुछ टारगेट, जैसे कि वीदर को हराना, एंडर ड्रैगन को हराना और अपने लिए पूरा नेदरराइट का फुल एन्चेंटेड वाला आर्मर बनाना। और बीकन तो भूल ही गए। ओके, तो पहले दिन मैं और विस्कार्ड स्पॉन हुए एक चेस्ट पर। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये और इसी चेस्ट के अंदर हमारे सारी सामग्री रखी है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, और उम्मीद तो यही है। और तुम हमारे आसपास देख सकते हो कि दूर दूर तक कोई गांव वाँव कुछ नहीं दिख रहा। और उसके बाद हमने चेस्ट खोली, और चेस्ट खोलने पर हमें बहुत सारा ही सामान मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा सामान मिल जाएगा हमें, पर यस थी। और यहाँ पर हमें विलेजर स्पोन एग भी मिल गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ी बात थी भाई। उसके बाद हम कूदने लगे, क्योंकि ये डर्ट कब लोग चेस्ट के आसपास लग ही नहीं रहा था। तो हमने एक ब्लॉक ऊपर करा और इसके आसपास हमने अपनी बाउंड्री को फैलाना शुरू करा, मतलब ये हमारा एक बेसिक प्लेटफॉर्म होने वाला था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एक ग्लोबल स्टोन जनरेटर बनाना शुरू करा था, जिसे बनाना ज्यादा हार्ड नहीं था। बस तुम्हें एक तरफ पाइन डालना है, एक तरफ फ्लावर डालना है और ये बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ चुकी थी एक घोर समस्या। समस्या ये थी कि हम इस पत्थर को तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो लकड़ी के टूल्स होते वे भी नहीं थे, और लकड़ी के टूल्स बनाने के लिए हमें चाहिए वुड, और जो कि सैपलिंग हमें उस वाली चेस्ट में मिल गई थी। तो हमारे लिए काफी ज्यादा काम आसान हो चुका था, पर इस वुड के लिए भी हमें थोड़ी तपस्या करनी होगी। और तपस्या है कुछ ना काम करना, क्योंकि जब तक वुड नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस सिवाय डर्ट लगाने के। और हम चाहते नहीं है कि हम इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा बड़ा करें, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे और हम मर सकते हैं, जैसे कि वन ब्लॉक में तुमने देखा ही होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो, मत खेलना। और हाँ गाइस, इस वाली वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, तो अगर तुम्हें वीडियो हल्की सी पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ। तुम लोग नहीं लाइक कर रहे हो, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, और कमेंट करना तो तुमने बंद ही कर दिया है, क्योंकि मेरी वीडियो पे सिर्फ 200-300 ही कमेंट आती है। तो आज का लाइक है 40,000 लाइक, और कमेंट है कम से कम 700-800 तो होनी चाहिए, प्लीज़ करवा दो यार। तो उसके बाद हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि और कुछ करने को था ही नहीं। लेकिन फाइनली काफ़ी टाइम बाद हमारे दोनों नन्हे मुन्ने पेड़ उग गए थे, और इन्हें उगने के बाद हमने इन्हें तोड़ दिया, क्योंकि हमें वुड चाहिए थी और हमने इन्हें ज़्यादा देर तक टिकने भी नहीं दिया। उसके बाद हमने उस लकड़ी से काफ़ी सारा काम किया था, जैसे कि उस लकड़ी के टूल्स वगैरह बनाए, हमने उस लकड़ी के टूल से पत्थर तोड़े, उसके बाद पत्थर के टूल्स बनाए, उसके बाद हमने उस पत्थर के टूल से पूरा पेड़ ही तोड़ दिया। और देखा जाए तो हमने काफ़ी सारा काम किया है। और इतने में विस ने यहाँ पर एक छोटा सा फूड फार्म भी बना दिया था, जो कि एक्चुअली में बीटरूट फार्म था, जो कि हमें बीटरूट के सीड पहले ही मिले थे, हमें पम्पकिन के सीड भी मिले थे। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक पत्थर तोड़े थे, क्योंकि मुझे एक एक्सपी फार्म बनाना था और उसके लिए मुझे बहुत सारा क्लोबरस्टोन लगने वाला था। फिर मैंने अपने बेस से थोड़ी सी दूर जाके प्लेटफॉर्म बनाया था, जहाँ पे हम अपना एक्सी फार्म बनाने वाले थे। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म को बनाते बनाते मुझे पास ही में एक चीज दिखी थी, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ टॉर्च वगैरह जल रही हो, तो मैंने सोचा कि भाई इसे देखते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने रेंडर चेक जैसे बढ़ाए, तो मुझे पता चला कि सामने की तरफ यहाँ पे एक विलेज है, जो कि पूरा वॉइड के ऊपर बन रखा है। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे चलते हैं, हो सकता है वहाँ पे जाके हमें एक अच्छी खासी लूट मिल जाए। तो अगले एक दिन तक बस मैंने यहाँ पे स्लैब्स वगैरह लगाए थे, मुझे बार बार क्लोबरस्टोन माइन करने जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे क्लोबरस्टोन खत्म हो जाते थे और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो मुझे इतना नहीं पता था कि वहाँ पे जाके मुझे क्या मिलने वाला था। जैसे मैं आगे तरफ गया तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस पूरे घर को तोड़ दिया था, और वो अलग बात है कि घर पहले से आधा स्पॉन हुआ था। पहले मुझे लगा था ये सही लोड नहीं हो रहा, इसका मतलब चंक लोड नहीं हो रहा, फिर बाद में पता चला अच्छा भाई घर ही आता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे वुड वगैरह मिल गई थी, तो मैंने इन्हें ली और मैं आगे की तरफ बढ़ गया था। आगे वाले घर में मुझे यहाँ पर एक चेस्ट दिखी थी, जो कि मैंने सोचा इसके अंदर फ्रूट वगैरह होंगे, कुछ खाने पीने की चीज होंगी, पर नहीं भाई, इसके अंदर पूरा भाई आयरन का पूरा एक स्टैक आयरन था वही ब्लॉक्स में, और ये इतना आयरन था कि हम पूरी वीडियो खत्म कर सकते थे, ऐसा मुझे स्टार्टिंग में लगा था। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई, नहीं कर सकते, क्योंकि इस आयरन से हमें ट्रेड वगैरह भी करनी है और हमें टूल्स वगैरह भी बनाने हैं, और टूल्स हमें कितने सारे क्लोबर स्टोन माइन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्लोबर स्टोन से हम यहाँ पे रास्ते बनाते हैं, अलग अलग विलेज में एक्सप्लोर करते हैं। और ये तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा कि ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसके बाद मैंने यहाँ का बेड चुरा लिया था, पहले मुझे लगा था कहीं ये नीचे ना गिर जाए, पर आखिरकार मेरी इन्वेंटरी में आ चुका था ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक दो घर और लूटे थे, और सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, तो इसलिए मैं आगे की तरफ चला गया था। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे रुइन पोर्टल दिखा था, तो मैंने सोचा देखो भाई रुइन पोर्टल में गोल्ड तो हमें पक्का मिलेंगे, और यहाँ पे हमें हो सकता है कि फायर चार्ज या फ्लिंट वगैरह मिल जाए, तो हम इस नेदर पोर्टल को भी लाइट अप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास नीचे जाने के लिए वाटर बकेट नहीं थी, तो मैं वापस घर की तरफ चला गया था, और काफी दूर था मेरा घर, मतलब बहुत ज्यादा स्टेयर्स वगैरह बनानी पड़ी थी मुझे। और घर पर आने के बाद मैंने देखा कि हमारे बीटरूट भी उग चुके हैं, तो मैंने इन्हें भी कलेक्ट कर लिया था और वापस अपने बीटरूट के सीड लगा दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ से वाटर बकेट ले ली थी और मैं वापस जाने ही वाला था, कि मैंने देखा कि हमारा एक्सी फार्म कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहा है, और अभी तो बना भी नहीं है भाई, जब जाके इतने सारे स्पॉन हो चुके, तो बनने के बाद तो मतलब हाँ अच्छा खासा काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। और वो बस मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे सो गया था, और सोने से हमारा एक दिन स्किप भी हो जाएगा, तो क्यों नहीं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और यहाँ पे जब मैंने पानी डाल के मैं नीचे जा रहा था तो मेरे डर लग रहा था कि भाई ये पानी नीचे जाके इन सारे लावा को ऑब्सिडियन ना बना दे, तो मैं ट्राई कर रहा था इनसे पहले चला जाऊँ और यहाँ नीचे ब्लॉक लगा दूँ, और बार बार चला कि यहाँ पे स्टेयर्स लगा रखी थी तो पानी ऊपर जाएगा ही नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ की चेस्ट देखी थी, यहाँ से मुझे थोड़े बहुत आयरन इंगट मिल गए थे, यहाँ से मुझे फ्लिंट मिल गई थी और मुझे तीन ऑब्सिडियन मिल गए थे। और उसके बाद मैं वापस चला गया था क्योंकि यहाँ पर कुछ करने के लिए था नहीं, और जो यहाँ पे ऑब्सिडियन वगैरह था तो हम उसे तोड़ तो सकते नहीं थे क्योंकि हमारे पास उसके लिए डायमंड की पिकैक्स होनी चाहिए थी जो कि मेरे पास नहीं थी। घर पर आने के बाद मैंने यहाँ पे होपर बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि अभी मुझे अपना एक्सफार्म भी कंप्लीट करना था और एक्सफार्म के लिए हमें काफी सारा ऑब्सिडियन चाहिए था। तो सच बताऊं तो मैंने काफी दिनों तक बस मजदूरी ही की थी, मैंने पत्थर तोड़े थे, दिन रात मेहनत करके पत्थर तोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर। और एक तुम लोगों की यार तुम लोग कमेंट नहीं करके दे रहे हो यार, कमेंट करो #मजदूरओपी कुछ भी करो पर हाँ कमेंट करो। उसके बाद मैं एक्सफार्म बनाने लगा था और उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स है, वो भी सबको पसंद आएगा। उसके बाद मैं एक्सफार्म बनाने लगा था और उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स है, वो भी सबको पसंद आएगा। और फाइनल यहाँ पे हमारा एक्सपी फार्म भी कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो तीन मॉब्स को मारा था ताकि थोड़ी एक्सपी बढ़ जाए। उसके बाद मैं चला गया था आगे की तरफ थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि आगे की तरफ भी एक और विलेज था जिसे कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जाकर मुझे थोड़े डायमंड वगैरह मिल जाएंगे तो अच्छा होगा मेरे लिए। और वहाँ पे जाते जाते मुझे रात ही हो गई थी क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था इन्हें एक एक ब्लॉक को प्लेस करके और फिर वहाँ पे जाना, और बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। और सच बताऊँ तो इस पूरे विलेज में बस मुझे हे बैली थी जो मुझे ढंग की चीज मिली थी और कुछ भी नहीं था इस वाले विलेज में। और घर आने के बाद मैंने काफी सारे पेड़ तोड़े थे क्योंकि अब हम विलेजर को स्पॉन करने वाले थे, और इतने में पेड़ तोड़ रहा था इतने विस्कर और भाई यहाँ पे हमारे लिए घर बना रहा था, मतलब हमारे लिए घर नहीं बना रहा था वो एक्चुअली विलेजर के लिए घर बना रहा था क्योंकि हमें अपने विलेजर भी तो कहीं ना कहीं रखनी है। और घर बनने के बाद मैंने उस घर में तीन विलेजर को स्पॉन करा था, और ये हमने दो घर बनाए थे, एक इधर है और एक बिल्कुल ठीक सामने है, तो तीन तीन विलेजर दोनों घर में रहेंगे। और अब इनके लिए मुझे चाहिए थी एक जॉब, तो मैंने एक कंपोस्टर बना दिया था और मैंने इसे जॉब दे दी थी ताकि मैं इनसे बीटरूट बेच सकूं। लेकिन यार कोई भी बंदा भाई बीटरूट लेने को तैयार नहीं था काफी टाइम बाद, भाई जब जाके एक विलेजर आया था जो कि भाई बीटरूट ले रहा था और उसके बदले में हमें वो एमरल्ड दे रहा था, भाई ये करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था मुझे। लेकिन कोई नहीं, उसके बाद मैंने अपने सारे बीटरूट जितने मेरे पास थे मैंने उन सबको सेल कर दिया था और उनके बदले मैंने एमरल्ड ली थी। एमरल्ड में इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम आर्मर वगैरह को बना सके अपना, क्योंकि यहाँ पे डायमंड वगैरह तो मिलेंगे नहीं तो हमें डायमंड विलेजर से लेना पड़ेगा। और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना अपने बीटरूट फार्म को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई ना कोई है जो हमारे बीटरूट ले सकता है और उसके बदले में हमें एमरल्ड दे सकता है। तो अगले एक दिन तक हमने बस अपनी चीजों को थोड़ा सही तरीके से करना शुरू कर दिया था, मैंने अपने बीटरूट फार्म को थोड़ा बड़ा करा था, फिशक्राफ्ट भी कुछ कर ही रहा होगा। और उसके बाद मैं वापस से उस वाले विलेज में आ चुका था क्योंकि मुझे यहाँ से वो लेके जाने थी क्योंकि उन विलेजर को सुहाना भी था हमें क्योंकि वे डिस्पून हो रहे थे। इसलिए जाने के बाद मैंने उनसे बेड बना लिए थे, टोटल 8 बेड बने थे जो 4 व्हाइट बेड बने थे और 4 ये येलो बेड बने थे। उसके बाद मैं घासों में बोनविल मारने लगा था क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि अब हम भाई ब्रेड भी बनाएंगे और ब्रेड हमें वीट से मिलेगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रहा था ताकि हमें थोड़े से सीड मिल जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ट्रेडिंग भी करी थी, मैंने जो एमरल्ड लाया था ये मैंने स्टिक बेक बेक के लाया था, और मैं इसलिए ट्रेडिंग इसलिए कर रहा था ताकि हमें भाई डायमंड की पिकेक्स मिल जाए क्योंकि हम जब नेदर पोर्टल बनाएंगे तो उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली थी वो। और उसके बाद मैंने एक दिन तक बस ट्रेडिंग करी थी, यहाँ पर मैंने अपने थोड़े से आयरन भी बेच दिए थे क्योंकि हमारे पास थोड़ी एमराइड की कमी हो गई थी और अगर हमें आयरन की कमी होगी तो हम आयरन फार्म बना ही लेंगे। उसके बाद यहाँ से मैंने एक डायमंड की पिकेक्स बाय कर ली थी, मतलब कि अब हम नेदर पोर्टल आराम से बना सकते हैं। उसके बाद मैं और विस्क्राफ्ट उस नेदर पोर्टल की तरफ चलने लगे थे और वहां जाके हमें पता चला कि हम इन ऑब्सिडियन को माइन ही नहीं कर सकते क्योंकि जब हम इसे माइन करते हैं या तो ये वॉइड में गिरते हैं या फिर लावा में जल के खत्म हो जाते हैं, मतलब जो ऊपर का ऑब्सिडियन है ये तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं पर जो नीचे जो ऑब्सिडियन वगैरह है इन्हें नहीं तोड़ सकते, पर ये कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे बाल्टी बनाते हैं, आयरन तो मेरे पास था ही और मैंने यहाँ से 4-5 बाल्टी बना ली थी और मैंने इनमें भाई लावा डालना शुरू कर दिया था ताकि हम अपने बेस में जाके वहाँ पर इन्हें ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर सके और आराम से भाई तोड़ देंगे इन्हें। उसके बाद हम वापस से घर आ चुके थे और यहाँ पर मैं अपना नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया था। वैसे हमें भाई पिकैक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी सच बताऊँ तो, हम ये पहले भी कर सकते थे पर पहले मुझे लगा था कि हम वहाँ पे जाएंगे और मतलब ऑब्सिडियन को तोड़ के यहाँ पे पोर्टल बना देंगे, भाई ऐसे बनाना होता तो मैं पहले का बना लेता, लेकिन चलो ठीक है भाई। और उसके बाद मैंने इस पोर्टल को लाइट अप भी कर दिया था और अब हम दोनों ही रेडी थे इसके अंदर जाने के लिए। और ये विस्क्राफ्ट से सेफ किया, क्या कर रहा है? मैं तो नेदर में हूँ, गोल्ड ढूंढ रहा है, तो इतना आयरन फार्म बना दे या कुछ और बिल्ड वगैरह बना दे। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक बेसिन मिली थी तो मैंने सोचा भाई इसके अंदर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई हुगरीन आ गया था तो मैं भाई यहाँ से भाग गया था क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे मार देगा, पर
भाई फाइनली भाई मैं यहाँ से निकल गया था अच्छा खासा, और उस होरिन को भगाने के बाद मैं वापस से उस वाली बेशन में आया था, और यहाँ से मुझे एक एडवांस एंट्री मिल गई थी उसकी, और मैं ऊपर की तरफ आने लगा था। इस वाली बेशन में मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा खासा आर्मर भी नहीं था, क्योंकि मैं आयरन का आर्मर पहन रखे आया था। और यहाँ पर भाई मुझे एक दो गोल्ड के ब्लॉक मिले थे, तो मैंने गोल्ड के ब्लॉक चुरा लिए थे। उसके बाद आगे जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट भी दिखी थी जिसके अंदर मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिल गया था, थोड़ा सा आयरन मिल गया था, और यहाँ पे एक डेबरी मिल गया था। लेकिन उसके बाद यार एक होली मेरे पीछे पड़ गया था, तो मैंने सोचा भाई यहाँ से चलते हैं, अभी मेरे पास आयरन का आर्मर है तो भाई मैं इनसे नहीं लड़ सकता क्योंकि बहुत ज्यादा ही है। और सच बताऊं तो भाई यहाँ पे मैं मरने से बचा था क्योंकि मैं बिल्कुल उस पे एज पे खड़ा था, और ये भाई बंदा पीछे से आया और मुझे धक्का दे दिया। भाई यहाँ से मैंने ब्लॉक वगैरह लगा तो दिए थे ताकि आना पाए, और मैंने यहाँ पे अपनी थोड़ी हेल्थ वगैरह फुल करी थी, और मैंने इसे मार दिया था क्योंकि मुझे इसका मीट चाहिए था, क्योंकि कई दिन हो गया यार मैंने मीट नहीं खाया था, सुअर कहीं क्यों ना हो पर हाँ हेल्थ वेल्थ बढ़ जाएगी इससे अच्छी खासी। उसके बाद मैंने यहाँ से काफ़ी सारी ग्रेवल लेके गया था, ग्रेवल में इसलिए लेके गया था क्योंकि हमारे पास जो डर्ट है वो खत्म हो रही थी और हमें डर्ट चाहिए थी, और हम इससे कोरस डर्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेवल माइन करना भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि ये ग्रेवल भाई एकदम से खिसक गई थी, मतलब नीचे की तरफ गिर गई थी, और वो भाई मेरी किस्मत अच्छी भाई मैं बच गया था, मैंने ऊपर खड़े होकर माइन करी। हाँ भाई किस्मत साथ दे देती है मेरे कभी कभी। उसके बाद मैं वापस अपने घर पर आ चुका था और मैंने अपने नॉर्मल डर्ट को यहाँ पे कोरस डर्ट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, और हमें काफ़ी सारे ही डर्ट चाहिए थे क्योंकि अभी हमें अपना घर भी बनाना था और हमें एक दो फार्म और बनाने थे। और उसके बाद मैं आयरन फार्म बनाने के लिए चला गया था, और ये इसका एक छोटा सा टाइम लैप्स है, तो एंजॉय करो। और यहाँ पर हमारा आयरन फार्म भी बनके तैयार था, और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था भाई, ये मेरी लाइफ का सबसे पहला आयरन फार्म है जो इतनी अच्छे से काम कर रहा था। और अगर ये तुम्हारा आयरन फार्म काम ना करना तो तुम्हें एक काम करना, तुम ऊपर स्टेयर से लगा के जाना और जो ज़ॉम्बीज तुमने वहाँ पे रखा होगा उसे एक हल्का सा हाथ मार देना या कुछ तलवार वगैरह मार देना, तो आयरन फार्म अपने आप काम करने लग जाता है। मुझे ये लॉजिक तो नहीं पता है कैसा काम करता है, पर हाँ ये बहुत ज़्यादा केसेस में मेरे साथ काम किया है ये, और पता नहीं क्यों बस हाँ काम कर जाता है ये। और उसका यहाँ पे मैंने दो स्टैचू बनाए थे जो कि स्टील के थे, जो पहला स्टैचू था इसमें तो स्टीव के हाथ में एक तलवार थी और एक हाथ से उसने लाइटर पकड़ रखी थी, दूसरा वो स्टीव मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने वो बना दिया था, तो मैंने टोटल दो स्टैचू बनाए थे यहाँ पर। स्टैचू बनाने के बाद मैंने करी थी थोड़ी सी ट्रेडिंग क्योंकि मुझे बहुत सारे एमरेट चाहिए ताकि मैं अपने आर्मर को थोड़ा अपग्रेड कर सकूं। और सच में भाई यार इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि यहाँ पर विश भी नहीं था, विश कॉलेज गया था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा सरों में आ गया था खेलने के लिए, और यहाँ पर मैं अलग अलग विलेजर को फ्लेचर बना रहा था ताकि मैं कम स्टिक में ज़्यादा एमरेट ले सकूं, क्योंकि जो मैं एक ही विलेजर को अगर स्टिक बेचता रहता हूँ ना तो वो अपने प्राइस हाई कर देता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टिक में भाई एक एमरेट देता है, तो मैंने काफ़ी सारे फ्लेचर बनाए थे और उन्हें मार देता था क्योंकि विलेजर की तो हमारे पास कमी होती नहीं है, तो बिग ब्रेन टाइम बेबी। और उसके बाद मैंने अपने आर्मर के साथ ट्रेड करा था, और मैंने यहाँ से काफ़ी सारे हेलीमेंटो ले लिए थे, मतलब हेलमेट ले लिए थे और मैंने उसे एक चेस्ट में डाल दिए थे, और बस तीन चार दिन तक मैंने यही काम करा था, मैं सेम यही काम कर रहा था, अपनी ट्रेडिंग कर रहा था, जो सामान मिलते थे उन्हें मैं एक चेस्ट में डाल देता था, तो मतलब हमारे पास काफ़ी सारा सामान हो चुका था आयरन का, तो मतलब किसी को चाहिए तो बता देना यार, बहुत ही स्टॉक मोड रखी है हमारे पास। और फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी पहली डायमंड की पेंट ली थी, और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से एमरेट की कमी पड़ गई थी, तो मैं फिर वापस ट्रेडिंग करने लगा था क्योंकि मुझे अभी अपना आर्मर भी बनाना है, पूरा आर्मर बनाना है, तो मुझे बूट भी चाहिए, चेस्ट भी चाहिए, और हेलमेट भी चाहिए, और सोर्ड भी चाहिए, तो मुझे एक और चीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से मैंने अपने बूट भी ले लिए थे, और फिर मैंने यहाँ से बहुत सारे हेलमेट और वो खरीदे थे ताकि मैं इसे अपग्रेड कर सकूँ, ताकि मुझे आगे चल के अपना हेलमेट और चेस्ट प्लेट भी दे सके। तो हम मतलब काफ़ी सारी ट्रेडिंग करने के बाद हमारे पास इतना सारा कुछ सामान हो चुका है, तो डायमंड वायमंड की चीज़ वगैरह है, और मैंने चेस्ट प्लेट और हेलमेट बस अपने लिए खरीदा था, इसके लिए नहीं खरीदा था क्योंकि उसे भी तो अपनी वीडियो में दिखाना है, तो मैंने सोचा भाई वो अपनी वीडियो में खुद दिखा देगा। और उसके बाद मैंने कुछ तो बना रहा था मैं यहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ मैं गाय के लिए वो बना रहा था एक बेस सा जहाँ पे सारी वाली गाय वाई रह सकती है, बेसिकली तबेला नहीं बोलते कैसे, हाँ मैं एनुअल फार्म बना रहा था बस, और तुम लोग अब टाइम लैप्स पे ध्यान दो।
और मैंने काउ का एक अलग सेपरेट एरिया बनाया था और शिप का मैंने अलग बनाया था और जहाँ पे भी दो स्वरों को घर बना रहा था जिस घर में हम लोग रहेंगे। क्या मतलब स्वर कीचड़ में रहते हैं। तो इतने तुम हमारा घर बनता देखो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। तो इतने हमारा घर बन रहा था तो मैं इसे ट्रेडिंग भी कर रहा था और यहाँ से मैंने जब तक डायमंड की तलवार से खरीदी नहीं थी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों को भी दिखाऊं उसे। ये मतलब पूछना क्यों दिखाना था, बस मुझे दिखाना था भाई। यार बहुत मेहनत लगती है ट्रेडिंग करने में भाई। पहले मुझे ऐसा लगता था ट्रेडिंग करके आसान होगा, पर भाई ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा मुश्किल था। पहले तुम भाई पेड़ तोड़ो, पेड़ से स्टिक बेको, फिर वो फ्लेचर अपने दाम बढ़ा देता है तो तुम दूसरा फ्लेचर बनाओ फिर उससे मारो। भाई दिमाग खराब हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मैं नेदर में आ गया था, तो नेदर में जो पहली वाली बेसिन मिली थी ना तो मैंने पहले ढंग से लूटी नहीं थी, तो मैं उसी वाली बेसिन में आ गया था और उसके नीचे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक थे। तो यहाँ पर 2-3 पिगलिन आए थे तो मैंने इन्हें आराम से मार दिया। मतलब नॉर्मल है यार अपने लिए, तो मतलब तो इतना अच्छा खासा आर्मर है हमारे पास कि हाँ लड़ सकते हैं। और बहुत लोग पूछते हैं भाई तू इतनी लेट वीडियो क्यों डालता है। मैं देखो इस डालना नहीं चाहता इतनी लेट वीडियो, पर वो हो जाता है क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता है, तो मैं वॉइस ओवर ढंग से नहीं कर पाता। और तुम बैकग्राउंड में जो नॉइस सुन रहे हो ना भाई, नॉर्मली डे में ऐसी आवाज रहती है भाई, पीछे कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो तुम समझा करो यार, नहीं हो पाता वैसे। और अब ये चीज तुम भी सुनो। सच बताऊं तो कभी कभी मजा भी आता है, पर कभी कभी इरिटेशन भी होती है भाई। और बेचन से गोल्ड लूटने के बाद मैं चला गया था माइनिंग की तरफ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से डेबरी भी कलेक्ट करने था कि अपने पूरे आर्मर को पूरा नेदरराइट का आर्मर बना सकूं। तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बहुत दिनों तक उस माइनिंग कर रहा था, जिसका यहाँ पे चला गया था क्योंकि उसका खोलिस था, तो यहाँ पे मैं अकेले ही खेल रहा था इस टाइम। तो यहाँ पे मुझे काफी टाइम लग गया था अपना पहला डेबरी ढूंढने के लिए। भाई मैंने काफी देर तक माइनिंग कर रहा था। मेरी पिकैक्स की हेल्थ देखो तुम, मैं नई पिकैक्स लाया था, उसकी हेल्थ भाई काफी हो चुकी, मतलब टूटने वाली थी। और जब जाके मुझे एक डेबरी मिला भाई, एक मतलब ठीक है भाई। फिर मैं दूसरी पिकेक्स लाया था और इस बार मैंने 2 पिकेक्स ले ली थी क्योंकि मैं बार बार आना चाहता नहीं था, क्योंकि इसमें माइनिंग मिली थी तो उसकी हेल्थ भाई काफी जल्दी जल्दी जा रही थी। और उसके बाद मैंने भाई 2 घंटे तक लगातार माइनिंग करी थी और 2 घंटे बाद मुझे यहाँ पर मिल चुके थे टोटल 19 डेबरी। और हाँ मुझे पता है एक डेबरी कम है और एक डेबरी मेरे पास पड़ा भी था चेस्ट में, जो कि हम बैशन से लाए थे, पर उस टाइम भूल गया था। और यहाँ पर विश भी आ गया था तो विश वहाँ पे माइनिंग कर रहा था, तो मैंने उसे कहा था भाई मेरे लिए एक एक्स्ट्रा डेबरी ले ली हो। और उसके बाद मैं चला गया था गोल्ड माइन करने के लिए। भाई मैं यही भूल गया था कि मैंने से अच्छा खासा गोल्ड लूट रखा है और मेरी इन्वेंटरी में भी काफी अच्छा खासा गोल्ड पड़ा था, ब्लॉक्स में पड़ा था। और मैं भी फालतू में भाई यहाँ पर गोल्ड कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी डेबरी का वो नेदरराइट बना सकूँ। हाँ ठीक है, कभी कभी भाई दिमाग से निकल जाती है बातें, मतलब मेरे साथ बहुत बार होता है यार, चीज़ें मेरी इन्वेंटरी में रहती है और मैं भूल जाता हूँ। वापस घर आने के बाद मैंने नेदरराइट की इंगेट बना लेते, मेरे पास टोटल 4 बने थे और फिर एक स्क्रैप मैंने भाई विस से लिया था क्योंकि विस के पास एक एक्स्ट्रा लाया था विस, और यहाँ पे मैंने अपना 5वां इंगेट भी बना लिया था। तो अब जल्दी जल्दी से अपना पूरे आर्मर को एन्चेंट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। और हाँ हमारे पास पूरा नेदरराइट का आर्मर हो चुका है और अभी मेरी तलवार बची है, तो जल्दी से तलवार को भी करते हैं। और फाइनली अब हम अच्छी तरह से गियर अप हो चुके हैं। तो अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें विदर को हराना है और उसके लिए हम आ चुके थे फोर्ट्रेस में। और फोर्ट्रेस की पहली चेस्ट मुझे यहाँ पे डायमंड मिल गए थे भाई। डायमंड की एडवांसमेंट मेरी अब जाके कंप्लीट हुई है क्योंकि हमने जो आर्मर लिया था वो डायरेक्ट हमने आर्मर ले लिया था, तो उसकी हमें आर्मर की एडवांसमेंट मिली थी। फोर्ट्रेस से हम 2 चीजें की जाने वाले, एक तो 6 विदर हेड क्योंकि हम 2 विदर को स्पॉन करवाएंगे, और एक है ब्लेज रोड क्योंकि हमें एंडरमैन को मारना है, मतलब एंडर ड्रैगन को मारना है। और उसके बाद मैंने काफी सारे विदर स्केलेटन को मारे थे, सच कहूं तो मैंने काफी सारे ही मारे थे। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी कि हाँ कि मैंने कट कट करके दिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा कम टाइम लग रहा होगा, पर इन सबको ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया था जब जाके मुझे अपना पहला विदर स्केलेटन हेड मिला था। और मैं काफी ज्यादा खुश था भाई इसे देखने के लिए। उसके बाद मुझे फिर ऐसे ही दूसरा मिला था और फिर ऐसे करके मुझे तीसरा मिल गया था। और विस को भी अपने 3 विदर स्केलेटन मिल गए थे क्योंकि मैं तो अपने लेके आ गया था, क्योंकि मुझे ब्लेज रोड भी कलेक्ट करनी थी और सामने की तरफ मुझे एक ब्लेज मिल भी गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई स्पोनर नहीं था तो यहाँ पे बस एक ही थी। और उसके बाद मुझे एक स्पोनर मिला था जहाँ पर काफी अच्छी खासी स्पोनर हो चुकी थी, तो मैंने इन सबको मार दिया था। और पहले मुझे लगा यार
विलेज रोड को मारने से कौन सी एडवांसमेंट मिल गई थी, तब पता चला कि हाँ ये वाली एडवांसमेंट होती है एक्सप्लोरिंग की, जब हम अलग अलग बायोम एक्सप्लोर करते हैं ना तो उससे मिलती है। तो फिर मैंने एक एक करके इन सारी विलेज को मारा था और फाइनली यहाँ पर मुझे अपनी 6-7 तो मिल गई थी और थोड़ी सी विस्की के पास भी थी, तो मैंने सोचा भाई चलो यहाँ से। तो उसको मैं वापस अपने घर चला गया था और घर पर जाने के बाद मेरा सबसे पहला काम था कि अपने विदर को हराने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें वो बनाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं पंपकिन उगा रहा हूँ ताकि हम आयरन गोलम की मदद ले सके। आयरन तो हमारे पास पहले से बहुत सारा है जो कि हमारे आयरन फार्म में रखा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से पंपकिन उगा दिए थे और मैंने अपने बो को भी रिपेयर करने लगा था और फिर उसके बाद मैंने कुछ एंचेंटमेंट भी करी थी बो के ऊपर, पर सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर इन्फिनिटी कहीं पर भी नहीं मिली। मैं सोचा था अगर इन्फिनिटी मिल जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, पर हाँ मुझे पावर 2 की वो मिल गई थी। और उसके बाद मैं वापस से विलेज में आ गया था और यहाँ पर विस ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया था विलेज के आसपास, क्योंकि आप अपने घर पर वहाँ नहीं बनाने वाले थे, तो मैंने उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करा था, मैंने नीचे थोड़ा ऑब्सीडियन लगा दिया था ताकि अगर हम विदर को स्पॉन करें तो फटे ना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आयरन गोलम स्पॉन करने लगा था, मतलब मैंने अभी नहीं करे थे, मतलब मैंने स्टैचू बना दिए थे, पर एक गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने आयरन गोलम पहले स्पॉन कर दिए और उसके बाद मैंने विदर को स्पॉन कर रहा था। ओ हुआ क्या है कि जब मैं विदर को स्पॉन कर रहा था तो सारे आयरन गोलम उसे मारने के लिए आ गए, मतलब अभी ढंग से विदर स्पॉन नहीं हुआ था। तुम्हें पता हो विदर जब स्पॉन होता फट जाता है और ये फट गया था और सारे आयरन गोलम नीचे गिर गए थे। अब बस मैं बचा था और यहाँ पर एक आयरन गोलम बचा था क्योंकि विस भी यहाँ से चला गया था क्योंकि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं अकेला लड़ रहा था इससे और यहाँ पर मैं डर चुका था क्योंकि भाई यहाँ पर एक आयरन गोलम है और मेरे पास वो भी इतना तगड़ा नहीं है। तो मैंने सोचा भाई देखो यहाँ से तो होने वाला नहीं है, तो हमें ऐसे लड़ना पड़ेगा। तो एंजॉय करो मेरी पिटाई को, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और यहाँ पर विदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो गया था। तुमने साफ साफ देखा कि विदर ने विदर स्टार छोड़ा लेकिन ये मेरी इन्वेंटरी में कहीं आया ही नहीं। भाई मुझे नहीं पता ये कहाँ गया, मैंने रिप्ले मोड में देखा उसने ड्रॉप किया और ये यहाँ पे गिरा, उसके बाद गायब हो गया। तुमने देखा वो गायब हो गया था, ना ही मेरी इन्वेंटरी में आया ना ही कुछ हुआ, और ये पता नहीं भाई अलग ही ग्लिच था। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक और विदर स्पॉन करेंगे, जैसे कि हमारी जो तो टारगेट था वो दो विदर का था, मतलब दो बीकन का था, लेकिन अब एक ही बीकन बन पाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा एरिया थोड़ा सही करा था, उसके बाद वापस से पंपकिन उगाने के लिए मतलब उन्हें लेने के लिए पहुंच गया था। और जैसे कि तुम्हें पता है खाने के लिए कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी नहीं मेरे पास, मतलब ब्रेड खा के काम चला रहा था, तो इस बार मैंने सोचा कि कुछ गायों को मार लेते हैं और कुछ मीट वगैरह ले लेते हैं क्योंकि मीट से अच्छी खासी हेल्थ बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ी सी मीट वगैरह लिया, इन्हें पका लिया था और उसके बाद मैं वापस से वहीं चला गया था। और इस बार मैंने अच्छी तरह से प्लानिंग करी थी, इस बार हम पहले विदर को स्पॉन करेंगे और उसके बाद हम आयरन गोलम को स्पॉन करेंगे, और इस बार विस्का नेट भी सही हो गया था तो मतलब वो भी मेरी मदद करेगा, तो मतलब इस बार काफी ज्यादा आसान होगा विदर को मारना, ऐसा तुम्हें लगता है, मतलब ऐसा मुझे तो लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कर देते हैं, और यहाँ पर विस ने विदर को स्पॉन कर दिया था, यहाँ पर मैं आयरन गोलम स्पॉन कर रहा था और एक दो आयरन गोलम भाई स्पॉन नहीं हुए, तो फिर पंपकिन थोड़ा गलत लग गया था तो यहाँ पे वो स्पॉन नहीं हुए थे, और इसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान था, मतलब हमने इसे कितने सेकेंड में मारा था, 20-30 सेकेंड में इसे पूरा ख़त्म कर दिया था। और इस बार हमारे आयरन गोलम भी थोड़े से बच गए थे, मतलब एट द एंड में तो सारे मर गए थे, पर स्टार्टिंग में काफ़ी तगड़ी हेल्थ खत्म करी थी, मतलब आधी हेल्थ तो इन्होंने 2-3 सेकेंड में ले आए थे ये, और फिर यहाँ पर हमने इसे मार भी दिया था। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा लो थी तो इसमें बार बार हेल्पफुल करने जा रहा था, और ये थोड़ा वो था जब अटैक करता है ना तो नीचे गड्ढे कर देता है, तो यहाँ पर भाई इससे बचना होता है, पता चला कोई वॉइड में गिर गया तो सीधा खत्म। और यहाँ पर हमने विदर स्टार भी मिल चुका था, इस बार पक्का भाई फाइनली विदर स्टार मिल गया हमें, नहीं तो भाई हर बार ऐसे हो जाता है। फाइनली पहला विदर स्टार मिल गया भाई। और उसका जहाँ पर विस ने भाई एंड ऑफ द एंडर भी बना ली थी, क्योंकि अब हमें एंडरमैन को भी हराना था, एंडर ड्रैगन भाई, और एंडर ड्रैगन हर बार एंडरमैन की बोलता है मुझसे, मैं वीडियो में कट कर देता हूँ एडिटिंग करते समय, पर भाई मैं बहुत बार रिकॉर्ड करता हूँ एंडरमैन बोल जाता हूँ उसे। तो हाँ हमें अभी एंडर ड्रैगन को भी हराना है, तो चलते हैं फटाफट से। और सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा दूर था, हमने करीब बहुत सारे ब्लॉक लाए थे हम, और यहाँ पे हमारे सारे क्लोबरस्टोन खत्म हो गए थे, और जो हमारा वो था ना क्लोबरस्टोन वगैरह हमने जितने माइन करते थे सारे खत्म। तो इसलिए जब मैं माइन करता था तो विस वहाँ पे ब्रिज बनाता था, और जब विस ब्रिज बना रहा होता था तो मैं माइन करने चला जाता था, और ये कम से कम 1700 ब्लॉक दूर पे था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ तक जाने में। और ये जो तो हमने गाना सुन रहे हो ना,
ये पूरे दिन ऐसे बसता रहता हमारे यहाँ, क्योंकि जहाँ पे रहता हूँ ना वहाँ पे यही चलता रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो बैकग्राउंड में कुत्ते की आवाज भी आ रही होगी कभी कभी, तो तुम ध्यान से सुनना कभी, तो कुत्ते की आवाज भी आती है यहाँ पर। क्या मतलब मेरी आवाज कुत्ते जैसी है। और फाइनली गाइस यहाँ पर हम पहुंच चुके थे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पर। दिखने में तो काफी ज्यादा भद्दा सा दिख रहा है, पर कोई नहीं भाई, हमारा प्यारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। और इसमें तो भाई ढूंढने की जरूरत भी पड़ेगी होटल वगैरह। और उसके बाद मैं चला गया थोड़ा सा पार्कोर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है यार पार्कोर करने का। पर थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया कि पार्कोर भाई मेरे बस की नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक लगा के चल लेते हैं, थोड़ा सेफ रहेगा। पता चला इतनी दूर आने के बाद यहाँ से फिसल गया और मर गया भाई, तो थोड़ा दुख होएगा मुझे यहाँ पर मरने पे। और उसके बाद मैं ब्लॉक लगा के ऊपर की तरफ आ गया था जहाँ पे हमारा एंड पोर्टल था, और उसको यहाँ पे मैंने एंड पर भी लगा दी थी। और फाइनली हमारा पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका था, मैं काफी जल्दी आया भाई यहाँ पर। और यहाँ पर फिर मैंने ब्रिज लगा के ऊपर की तरफ चले गया था, और उसके बाद शुरू होता हमारा फेवरेट काम, जो कि होता है उन्हें क्रिस्टल को फोड़ना। और उस पर तो मैं काफी ज्यादा प्रो हूँ, तुम ये देखो। तो क्या लगता है हुना भाई ब्रो, भाई देखा कितनी जल्दी जल्दी फोड़ देता हूँ मैं सारी चीजें। और उसका यहाँ पे मैंने एंड ड्रैगन को मारना शुरू कर दिया था, यहाँ से मेरे बो के निशाने भी काफी ज्यादा सही है, पता नहीं क्यों कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, पर हाँ हो रहे हैं ठीक है। और जब ये नीचे आया था तो हमने इसे तलवार से मारना शुरू कर दिया था, और एंडरमैन को मारना काफी ज्यादा इजी है। मुझे पता है अब इसका बड़ा भाई भी आ चुका है वार्डन, तो इस वाली वीडियो में तो हम उसे वार्डन को नहीं मारने वाले, पर मैं वादा करता हूँ कि अगली वाली जोनसी वाली वीडियो आएगी ना, हम वार्डन को जरूर मारेंगे, ये मेरा वादा है। अगर नहीं मारे तो मतलब हम मर जाएंगे, तो हाँ हम दोनों में से कोई ना कोई मरेगा, इतना तो बात गारंटी दे सकता हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं खुद ही बॉर्डर बन जाऊँ, मतलब होने भी तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद बहुत देर तक हमारी और एंडरमैन की फाइट चलती रही, मेरे पास यहाँ पे बो खत्म हो गए थे क्योंकि इन्फिनिटी नहीं थी इस बार, लेकिन इसके पास इन्फिनिटी थी। और जैसे ये नीचे की तरफ आया था तो हम इसे तलवार से ही मार रहे थे, और यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा कम हेल्थ हो चुकी थी, और फाइनल यहाँ पे हमने इसे मार भी दिया था, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात थी, क्योंकि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके थे। तो मतलब अब हमें यहाँ पे बस एक्सपीरियंस लेना था, और इस बार यहाँ एक्सपीरियंस से ड्रॉप करा तो इसमें बस एक ही एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप करा था, तो मैं भाई नीचे अपने वापस घर पे आ चुका था। और गाइज उसके बाद हमने अगले दो दिन बच रहे थे हमारे पास, तो हमने सोचा देखो दो दिन हमारे लिए कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैंने अपने थोड़ा बेस को इम्प्रूव करा था, मैंने आसपास थोड़े पेड़ लगा दिए थे, मेरा आयरन फार्म सही से चल नहीं रहा था तो मैंने उसे भी ठीक करा, क्योंकि हमें बीकन भी बनाना है और मुझे पता है देखो इतना आयरन काफी नहीं है एक बीकन बनाने के लिए। पर हाँ हमने अपना आयरन फार्म ठीक कर दिया, तो आई होप वो अच्छे से काम करे इस बार। और उसका हमने यहाँ पे अपना बीकन भी बना लिया था, बस हमारी लास्ट की थोड़ी सी चीज रह गई थी, तो मैंने विश से कहा भाई विश यहाँ पे ब्लॉक रख दे, और इसने कल से ब्लॉक रख दिया यही होता है दो तीन दिन माइनक्राफ्ट ना खेलो तो। हाँ उसके बाद फिर मैंने अपना बीकन बना लिया था, और मैंने बीकन को ऊपर रख दिया था, और उससे मैंने यहाँ पे स्पीड का पोशन ले लिया था, मतलब स्पीड का इफेक्ट ले लिया था, पोशन तो नहीं दे रही। फाइनली हमारे 100 डे कम्प्लीट हो जाएंगे कल को, मतलब रात होने वाली है, तो हाँ मतलब कल को हमारे 100 डे पूरे कम्प्लीट हो जाएंगे। और तो बस आज की वीडियो इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें तब अगले वीडियो में, तब तक क्लिप है भाई। इतने अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें तब अगले वीडियो में, तब तक क्लिप है भाई।